जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से पूरे जितने भी यूटी है उसके अंदर हो रहा है, और जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ पुंछ, रजौरी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सारे साथियों स्ट्राइक पर हैं। स्ट्राइक पर जाने का मेन मुद्दा और मकसद यही है कि आप जानते हैं कि नई 50,000 नौकरियों की बात जम्मू कश्मीर में की जा रही है, और न्यू रिक्रूटमेंट के नाम पर 10,000 पोस्टों को वेरीफाई किया गया है। हमारा ये मानना है कि जेलिविजर जिसने 20-25 साल डिपार्टमेंट के अंदर दिए हैं उनके लिए अलग से कोटा रखा जाए, और आप 50,000 की जगह 1,00,000 नई नौकरी दीजिए, हम उसके साथ हैं। लेकिन जो हमारा हक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसकी फोर्थ क्लास की जितनी पोस्ट हैं उसका जो उनकी पोस्टों पर जो हक है वो यहाँ के जो डिलीजर्स का है, न कि बाकी लोगों का है। तो इसको सिरे से कंडम करते हुए आज जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट के बैनर के तले आज पूरे जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का हड़ताल का आह्वान हुआ है, और कल हमारा प्रोटेस्ट जो होगा वो ड्यूकॉम के सामने होगा, और कल शाम को 5 बजे हमारी लीडरशिप की मीटिंग होगी यहाँ की और कश्मीर की वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और अगला रणनीति का फैसला किया जाएगा। बहरहाल मैं तमाम मीडिया का जो शॉर्ट टाइम है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और सरकार को बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे मुद्दे हमसे बात के दरवाजे जो 24 घंटे खुले हैं, अगर हमारे मुद्दे हल नहीं होते हैं तो ये आंदोलन और ज़्यादा तेज़ रुख लेता है, तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की और यहाँ के जो तंत्र है उसकी रहेगी। इस बार तक तमाम कैजुअल लेबर जो स्ट्राइक पर हैं, और प्लीज़ वो हमारे जो ये